Wild Animals of Pakistan. In Pakistan, the sheep are distributed evenly. Rather, they are distributed throughout their range, their home range. Sheep, jinko hum commonly bhed kehte hain, they are existing in a variety of species. Iske saath jo parallel ek animal hai, that is called goat, jinko hum bakriyan kehte hain. तो इसका मतलब है भेड़ और बकरियां, शीप्स भेड़ें और गोट्स बकरियां कहलाती हैं. दे सीम्स टू बी सिमिलर बट ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजिकली दे हैव सर्टन टिपिकल फीचर्स विच मेक देम टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर काउंटर पार्ट्स. अगर हम पर्टिकुलरली शीप्स की बात करें तो द ट्रू वाइल्ड शीप्स दे आर इंक्लूडेड इन अ जेनरा कॉल्ड एज ओविस. क्योंकि कुछ शीप्स ऐसी हैं जिनको पेट्स बनाया हुआ होता है या जिनको डोमेस्टिकेट किया होता है. सो कुछ भेड़ें ऐसी भी होती हैं जो वाइल्ड में एग्जिस्ट करती हैं. सो जो वाइल्ड का जेनरा है उसको ओविस जेनरा में इंक्लूड किया जाता है. वेरी टिपिकल फीचर इज देयर हॉर्न्स एंड देयर हॉर्न्स आर हैविली रिंकल्ड. लाइक इफ यू फाइंड द हॉर्न्स और यू लुक एट द हॉर्न्स यू फाइंड सर्टन एनुलस. उसके हॉर्न्स पर रिंग्स होते हैं and the rings are present throughout the length of the horn and they are heavily structured as well. There are suborbital glands which are present in them. Ab jis tarah naam indicate kar raha hai orbit, so obviously inke jo socket hai jahan eye ball fit hota hai, that is called orbit. Skeleton mein is part ko orbit kehte hain. This is called suborbital. To obviously iske niche jo gland hoga hum usko suborbital gland kehte hain. सिमिलरली इनमें कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड और भी होते हैं जो इनकी फोर और हाइंड लेग्स में प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज पीडल ग्लैंड. मेल शीप्स नेवर डिवेलप बियर्ड. इनमें जो मेल ऑर्गेनिजम्स हैं या जो मेल जेंडर है उनमें प्रॉपरली जिसको हम दाढ़ी कहते हैं वो इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं होती. यू कैन सी इन द फिगर दैट द हैवी साइज ऑफ द हॉर्न्स एंड पर्टिकुलरली अगर आप इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो यू फाइंड आउट अ लॉट ऑफ स्ट्राइप्स. एक्चुअली ये स्ट्राइप नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट रिंग जिसको हम एनुलस कहते हैं. सो दिस कंप्लीट रिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप एंड इट एंड्स एट इट्स टिप. बिल्कुल एंड तक जा रहा है जहां पे इसका हॉर्न कंप्लीट हो रहा है. दिस शीप इज द पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ सिंध आईबैक्स. ये एक खास वाइल्ड शीप है जिसमें जो इसका अपियरेंस है वो हमें ब्राउन कलर की नज़र आ रही है. दीज एनिमल्स आर ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस मीन्स दे आर वेरी मच सोशल दैट दे मेक द हर्ड्स. वो बहुत बड़े बड़े झुंड बनाते हैं और उन उस ग्रुप्स में एटलीस्ट 20 एनिमल्स देखे गए हैं. यानी वो हर्ड्स 20, 22, 25 या इवन अगर बहुत भी कम है तो 10 इंडिविजुअल्स कम अज कम उस हर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. एंड दीज हर्ड्स कंसिस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ फीमेल with their followers and immature males. During the day, they rest usually under an overhanging bush or rock where they are well concealed. Definitely, din ke time kyunki zara garmi zyada hoti hai un areas mein jahan pe ye rehte hain. Agar wahan pe bahut zyada jo temperature agar raise karega to ye din ke time mein apni activities thodi si kam karte hain aur us waqt ye conceal hokar kisi drak ke saaye ke niche ya agar किसी रॉकी एरिया में ये रह रहे हैं तो वहाँ पे किसी चट्टान के पास जाके बैठ जाते हैं जो इनको हाई टेम्परेचर ताकि इनको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. देयर साइट हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल आर ऑल एक्यूटली डेवलप्ड. व्हाट डज इट मींस दैट दे कैन सेंस द डेंजर, द अपकमिंग डेंजर. अगर कोई उनको पकड़ने आ रहा है, कोई कैप्चर करने आ रहा है या उनको डराने की कोशिश की जाए तो ये उसको बहुत इंस्टेंटली फील करते हैं एंड दे जस्ट फार अवे फ्रॉम द साइट. उस जगह से निकल जाएंगे और दूसरी जगह पे चले जाते हैं. सो दे आर एक्सेसिवली वेरी डिपेंडिंग अपॉन अर्ली डिटेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग डेंजर एंड फ्लाइट फॉर देयर सर्वाइवल. डेफिनेटली अगर वो इतने ज़्यादा सेंसफुली इस चीज़ को नहीं पिकअप करेंगे तो जो प्रीडेटर है वो उनको कैप्चर कर लेगा और अपनी फीट का पार्ट बना लेगा. सो इसीलिए ये वहाँ से उस जगह को जल्दी सेंस कर लेते हैं अपकमिंग डेंजर को और उस एरिए को छोड़ देते हैं. गेस्टेशन पीरियड इज़ अबाउट 150 टू 180 डेज वाइल देयर यंग पर बर्थ. यानी जो इनके इंडिविजुअल्स हैं वो एक दफ़ा में कितने बच्चे पैदा करते हैं
The female gives single or occasionally a twin. Lamb being born. जो इनका रूटीन में ब्रीडिंग टाइम पीरियड है, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये विद रेफरेंस टू पाकिस्तान है, और यहाँ पर मिड अप्रैल टू मे इन पंजाब, इन पर्टिकुलर इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, बिकॉज यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है. यहाँ पर दे आर इन बिटवीन मिड टू अप्रैल टू अर्ली मे इन पंजाब. ऑफन एज अर्ली एज लेट मार्च इन कीथर रेंज इन सिंध. ये वो एरियाज हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ पार्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनको वहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा रही है. वहाँ पर जो इनका टाइम पीरियड है यंग वंस को गिव राइज करने का, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड. सेक्सुअल मेच्योरिटी, दे बिकम सेक्सुअली मेच्योर एट 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज, वाइल देयर लाइफ स्पैन इज मैक्सिमम 11 ईयर्स, एंड दिस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन कैप्टिविटी. वाइल अगर हम इनको रूटीन वाइल्ड में देखें तो वहाँ पर इनका लाइफ स्पैन 2-3 साल कंपैरेटिवली कैप्टिविटी के मुकाबले में कम हो जाता है. फीडिंग, विद रेफरेंस टू देयर फीडिंग, दे प्रेफर द ग्रासेस, वाइल ड्यूरिंग फॉडर स्कार्सिटी दे ब्राउजिंग द लीव. व्हाट डज इट मींस कि जब इनको फूड नहीं मिलेगी उस तरह प्रॉपरली, उस वक्त ये ग्रेजिंग एक्टिविटी को छोड़ के ब्राउजिंग एक्टिविटी पर आ जाते हैं. ग्रेजिंग मीन्स दैट दे टेक अप द ग्रासेस फ्रॉम द ग्राउंड, वाइल इफ द थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, इफ द ग्रास इज नॉट अवेलेबल, डेफिनेटली उस वक्त इनको अपनी अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करना है, तो उसको फुलफिल करने के लिए दे टेक अप द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल. समटाइम्स दे मे टेक फ्रूट्स, एंड द फीडिंग कन्फाइंड टू अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग इन द समर मंथ्स. ऑब्वियसली ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए. पाकिस्तान में जो कॉमन स्पीशीज हैं, दे आर ओविस एमन, जिसको मार्को पोलो शीप कहते हैं, एंड ओविस ओरिएंटेलिस, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज ओरियाल्स.